वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। ये मेरा छोटी दिवाली मेकअप लुक है और वीडियो शेयर नहीं किया है, बस पिक शेयर कर रही हूँ कि मैंने ऐसा मेकअप लुक क्रिएट किया था। आई होप गाइस कि यू लाइक दिस। और मैंने अनदर ब्लॉग शुरू कर दिया है, अलग से ब्लॉग शुरू कर दिया है। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी घर की सफाई करने। सबसे पहले कपड़े लगाऊंगी क्योंकि अभी जस्ट मैं बर्तन धोकर आई हूँ। धोने वाले कपड़े निकाल देती हूँ, मशीन में लगा के छोड़ देना है, हाथ तो डाला नहीं है। और गोभी काट के रखी हुई है और फ्राइड राइस बना रखा है। तो जो धोने वाले कपड़े हैं ना उनको निकाल देती हूँ। कुछ कपड़े हैं जो धोने हैं और धोने के लिए कपड़े लगा देती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हो जाते तो फिर दिक्कत होती है। तो फिलहाल जो धोने हैं उनको धो ही देती हूँ। क्या कुछ है धोने के लिए तो अभी फ़िलहाल यही है धोने के लिए। तो इनको लगा के फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप सभी से। 1 मिनट। सो गाइस, मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में अपने घर की पूरी सफाई कर ली है और सारी चीज़ें हो गई है। अब मैं इसको जो है तोरण वगैरह लगा रही हूँ और क्या क्या कर रही हूँ वो सब आपको दिखा रही हूँ। आज है छोटी दीपावली और ये तोरण जो है मैंने घर पे बनाया था। मेरे एक पुराने लेस पड़ा हुआ था तो उससे बनाया था मैंने। घर पे लेस पड़ी हुई थी, काफ़ी सारी लेस पड़ी हुई थी सो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो घर पे ही बना लेते हैं, ख़रीदने से अच्छा है। पैसा इन्वेस्ट करने से तो अच्छा है जब आती है चीज़ें बनाने तो क्यों ना घर पे ही बना ली जाए। तो मैं यहाँ पे तोरण जो है लगा रही हूँ और वीडियो अच्छा लगेगा इस तो एक लाइक ज़रूर कर देना।
सो गाइस, मेरा यहाँ पे पूरा डेकोरेशन हो गया है, लेकिन बेड पे आपको अभी भी थोड़ा सा सामान दिख रहा होगा। एक्चुअली मैं क्या करूँ, एक्चुअली मैं नीचे बैठ के काम नहीं कर पाती क्योंकि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, तो इस वजह से मैं बेड पे ही काम करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ चीज़ों को। जो कि आपको पता है, मैं ऑनलाइन और कस्टमरों का ऑर्डर लेके चीज़ें बन मेरे पास ऑर्डर रहता ही रहता है, तो इस वजह से जब मुझे सोना होता है तब मैं इनको नीचे रख देती हूँ, फिर रख देती हूँ। लेकिन पहले के अकॉर्डिंग अब चीज़ें इतनी नहीं फैली हुई है, अब घर थोड़ा सा आप लोगों को नीट एंड क्लीन दिख रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली पहले जो है ना बहुत ज़्यादा सामान फैला रहता था, और अब थोड़ा सा जो है आप लोगों को डिफरेंट दिख रहा होगा पहले के अकॉर्डिंग। अब ज़्यादा तो मैं यहाँ पे जो है मिट्टी के, ज़्यादातर मिट्टी के दिए खरीदे हैं, क्योंकि गाइस बहुत अच्छा होता है मिट्टी के दिए, और ऐसे बंदे से ख़रीदिए जो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़्यादा फैंसी लाइट वगैरह ख़रीदने से, पैसा इन्वेस्ट करने से तो बेटर है कि आप किसी गरीब आदमी से दिए ख़रीदिए, ताकि उनकी दिवाली भी रोशन हो सके। तो मैं देख सकते हो ज़्यादातर मिट्टी के दिए ख़रीदती हूँ, और जो मैं देखती हूँ कि जिनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है उनसे ही लेके आती हूँ। और सामने की दीवार पे आपको लाइट हैंगिंग दिख रही होगी, वो मैंने खुद बनाया है, DIY किया है, और इन दियों को मैं अपने दरवाज़ों के बाहर लगा रही हूँ, और मैंने 8 दिए जलाए हैं जो कि दरवाज़ों के बस वहाँ पे लगाने हैं मुझे आज तो फ़िलहाल, और उसके बाद कल बड़ी दिवाली है, तो पूरे घर में कल जो है पूरे घर को रोशन करूँगी। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी सी वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे जमाई आ रही है बार बार, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे नींद आ रही है, लेकिन फिर भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, और पता नहीं मुझे सुबह तक का वेट नहीं हो रहा था तो इसीलिए मैं एडिटिंग अभी कर रही हूँ। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। सो गाइस, आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। गाइस, इस दिवाली पे मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज लेके आई हूँ, अगर आप लोगों को ये मैसेज अच्छा लगे तो इस मैसेज को ज़रूर फॉलो करना, और बहुत अच्छी बात है ऐसे मैसेजेस को फॉलो करना। गाइस, मेरा एक सिंपल सा कहना ये है कि जैसे मैं ज़रूरतमंद को देख कर कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है दिवाली के लिए उससे मैंने दिए खरीदे ज़्यादातर मिट्टी के, तो गाइस वैसे आप लोग भी यूट्यूब पे ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए जो न्यू क्रिएटर हैं, और छोटे क्रिएटर करना उनका अपमान होगा और ख़ुद का भी। तो गाइस आप लोग भी ऐसे लोगों का सपोर्ट करिए जिनको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या पता आपके एक सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन को प्रेस करने से किसी के घर की रोजी रोटी चल सकती है। इससे क्या गाइस, वो कहते नहीं हैं लेकिन वो मन ही मन दुआएं ज़रूर देते हैं, मैंने हमेशा नोटिस किया है। जब आप किसी सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंदों की अगर आप मदद करते हो ना, वो हमेशा दिल से आपको दुआएं ज़रूर देंगे, और आप गाइस यकीन मानना दुआएं हमेशा काम आती है। जब आप कभी मुसीबत में होते हो तो किसी ना किसी की दुआओं का असर हो ही जाता है। गाइस, अगर आपके साथ किसी की दुआएं नहीं है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सो गाइस, तो हर किसी के चैनल को, जो ऑलरेडी जिनके चैनल ग्रो कर चुके हैं उनको इतना सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, आप नए क्रिएटरों का सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली। तो ये दीवार पे इससे कितना खूबसूरत लग रहा है, तो अभी मेरे पास कुछ ऊपर टांगने के लिए नहीं था तो मैंने यहीं पर लगा दिया है, और ये एक मैंने बैटरी चार्जर वाला लाइट मंगाया जो कि दीवार पे इफ़ेक्ट देता है, ठीक है गाइस, और इस तरीके से। और मेरा स्विच बोर्ड ख़राब हो गया, नहीं तो मैं उधर का भी आपको जला के दिखाती। तो ये रहा, मैंने क्लीनिंग सारी कर दी है और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 दिया जलाया है, और ये देखिए मेरा पुराना ट्राईपोड था, इसको भी मैंने नैनोल की रस्सी से बनाया है, DIY किया है, तो कितना खूबसूरत लैम्प लग रहा है। मात्र ये मेरा पड़ा है 80 रुपये का पूरा, ये मेरा रेडी हुआ है इस तरीके से, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी कम है क्योंकि ऊपर लाइट लगानी थी लेकिन लाइट लगाने की जगह नहीं थी। और आपको दिखाती हूँ मैं,
ये मेरा तोरण है जो कि मैंने खुद घर पे बनाया है DIY करके, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है गाइस, आप देख सकते हो। और इसकी जो रोशनी पड़ रही है ना दीवार पे, मिरर का इफेक्ट पड़ रहा है, और ऊपर जब ये लाइटिंग पड़ रही है ना तो दीवार पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो देख सकते हैं ये मेरा DIY। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा DIY। तो ये है, और यहाँ पे मैंने ये लटकन लगा दिया, वहाँ पे दो दिए जला दिए, दो दिए बाहर एक किचन में। तो बस यही है गाइस, और सो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये लाइटिंग का जो सिस्टम है ना बहुत अच्छा लग रहा होगा। और इसको एक्चुअली मुझे बेडरूम में लगाना था, लेकिन सारे स्विच बोर्ड एक साथ ही ख़राब हो गए, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो ये आई होप कि उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अभी छोटी दिवाली है, हैप्पी दिवाली। अभी छोटी दिवाली पे मैंने इतना ही कुछ किया है, और एक इफेक्ट जो है ना मुझे इसके अंदर भी डालना था। तो गाइज बस वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। एक बार मैं आपको लास्ट जो है इसका रिव्यू दिखाती हूँ, लाइट ऑफ करके आपको इसका लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। दिवाली जो है रोशनी का त्यौहार है, और दिवाली मेरा फेवरेट त्यौहार है। लाइट बन करके जो इफेक्ट पूरे वॉल पे पड़ रहा है इसका ना, इस तरीके से पूरे दीवार पे पड़ रहा है, इसी ये सिर्फ एक लाइट का इफेक्ट है। ये इसको मैंने अमेजोन से मंगाया था, और बहुत ही सस्ता मंगाया था, 149 का मंगाया था मैंने। और ये चार्जर, फ़ोन चार्जर के बैटरी से चलता है, ये देखिए। और ये मेरे जितने भी एंजल हैं इन पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है नाइट में, तो बहुत खूबसूरत लगने वाला गाइज। और ये देखिए, ये मेरी डॉल है जो कि अंधेरे में काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये मेरा बर्ड हाउस है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है अंधेरे में, बहुत क्यूट लग रहा है। और इसका इफेक्ट देखिए, रेड जो है लाइट है, तो कितना खूबसूरत इफेक्ट दे रहा है इसका। तो गाइस छोटी छोटी DIY से, छोटे छोटे आइडिया से अपने घर को डेकोरेट करिए इस दिवाली। मेरा ये डेकोरेशन आइडियाज़ कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय।